दोस्तों, आप स्टॉक्स ऐप को कैसे यूज़ करना है, कैसे शेयर बाय करना है, कैसे शेयर को सेल करना है, कैसे पैसे ऐड करने हैं वॉलेट में, कैसे विड्रॉ करने हैं, कैसे आप रेफर करके अर्न कर सकते हैं, कैसे GTT ऑर्डर लगा सकते हैं, इन सब के बारे में आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यानी कि आप बोल सकते हो कि आप अपस्टॉक्स ऐप को अच्छे से यूज़ करना सीख जाओगे ये वीडियो देखने के बाद। अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स पे ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक को फॉलो करके आप अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने वीडियो भी बना रखा है कि आपको डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स के साथ कैसे ओपन करना है, तो वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोनों का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वॉच जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो मैंने टाइम स्टैम्प भी दे रखा है वीडियो में, आप सुविधा के अनुसार अपने वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से मिल पाए, आप अपस्टॉक्स ऐप को अच्छे से यूज़ करना सीख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने अपस्टॉक्स के अकाउंट में। मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सभी ऑप्शंस के बारे में, जैसे माई लिस्ट, ट्रेड्स, डिस्कवर, अकाउंट, सब बारे में बताऊंगा कहाँ पे क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ओके गाइस, तो पहला ऑप्शन है वो है माई लिस्ट का। ठीक है, लिस्ट क्या होता है, आप इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो बेसिकली लिस्ट का मतलब ये होता है, जो भी आप चाहते हो फ्यूचर में कोई शेयर परचेस करना या फिर ट्रेड लेते हो, तो वहाँ पे आप चाहते हो कोई ट्रेड का पोजीशन को यहाँ पे देखते रहना, मॉनिटरिंग करते रहना, तो बेसिकली आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट क्रिएट करने से पहले हमें क्रिएट करना पड़ता है वॉच लिस्ट, जिसको आप फोल्डर भी समझ सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आप जो दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग इंडेक्स, इस पर क्लिक कर दो। ये मैंने बना रखा है, इसके अंदर मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स को ऐड कर रखा है, निफ्टी बैंक इंडेक्स को यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो आप भी बना सकते हैं, जैसे कि आप इस पर आइए। यहाँ पे आने के बाद ये जो ऊपर दिख रहा है आपको टॉप 20 मार्केट कैपिटलाइजेशन, इस पर अगर टाइप करते हो तो यहाँ पे टॉप 20 आते हैं, जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये वाला तो आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अब हम बात करते हैं आप खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली इसी पे आपको टैप करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है क्रिएट लिस्ट, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आएगा लिस्ट का नाम देने का। ठीक है, तो मान लीजिए आप कोई शेयर परचेस करना चाहते हो फ्यूचर में, तो यहाँ पे डाल सकते हो माय फेवरेट स्टॉक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर है चेंज इमोजी, यहाँ पर अपना खुद का इमोजी भी यहाँ चूज कर सकते हो, आपको जो फेवरेट इसमें से लग रहा है अच्छा उसमें चूज कर लो कि आपको देखने में अच्छा लगे। तो मान लो कि मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, ये करते हैं क्रिएट लिस्ट। बेसिकली जो लिस्ट है वो आप समझ लो कि वो एक फोल्डर की तरह होता है, इसके अंदर जो जो चीज़ आप ऐड करोगे वो फाइल की तरह होता है। ठीक है, आपको इस समझने में आसानी है, उसे मैंने ऐसे बताया आपको। अब देखो हमारा लिस्ट क्रिएट हो चुका है माई फेवरेट स्टॉक्स। अब इसके अंदर हम शेयर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हो ट्रेडिंग करना तो उसका जो भाव होता है कॉल या फिर पुट का, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें आप शेयर ऐड करके आप दिखाऊंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ ऐड स्क्रिप्ट, इस पर आप क्लिक करना है। यहाँ से आप मान लीजिए कोई शेयर चाहते हो मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, जैसे कि रिलायंस। ठीक है, तो बस इस रिलायंस वाले के आगे जो स्टार बटन बना हुआ है, तो बस इसको यहाँ से स्टार पे क्लिक कर दो। हो गया, अब हम बैक आएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो माई फेवरेट स्टॉक्स का जो लिस्ट है, इसके अंदर हमारा रिलायंस का शेयर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हम मॉनिटर कर सकते हैं जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं उनका रेट क्या चल रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे कब बाई करना है, आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, और भी चाहते हैं ऐड करना तो सिंपली ऐड स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जैसे HDFC बैंक, मिस्टेक हो गया टाइप में। ठीक है, सिंपली वही करेंगे, स्टार बटन पर क्लिक कर देंगे, ये हो गया, फिर आएंगे बैक। अब देखो यहाँ पे HDFC बैंक भी ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर शेयर को ऐड कर सकते हैं ताकि आप उनको मॉनिटर करते रहें, और आप मल्टीपल वॉचलिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो मुझे ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है ऑप्शंस में, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पर टैप करेंगे और यहाँ से कर देंगे क्रिएट लिस्ट पर क्लिक, और यहाँ पर कर देंगे इसे माई ट्रेडिंग प्राइस लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्रिएट लिस्ट करते हैं। ओके, तो हम लिस्ट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना ट्रेडिंग का प्राइस, जैसे कि अभी देखो निफ्टी 50 के लिए चल रहा है 16,566। तो मान लीजिए मुझे कॉल का यहाँ पे सेट करना है देखने के लिए कि कॉल का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप या तो ऑप्शन चेन पे भी जा सकते हो यहाँ से, या फिर आप वहाँ भी लगा सकते हो। जैसे देखो 16,550 का रेट चल रहा है, 38 रुपये 39 पे चल रहा है। ठीक है, तो मैं यही ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ पे ऐड स्क्रिप्ट पे जाएंगे, निफ्टी 16,500। ठीक है, सिंपली स्टार पर क्लिक कर देंगे और आएंगे बैक। देखो यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ से इसलिए मॉनिटर कर सकते हो। मान लो आपको ट्रेड करना है निफ्टी के इस कॉल वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये ईजी हो जाता है लिस्ट क्रिएट करने के बाद, बस यही
आपका फ़ायदा होता है लिस्ट में। ये बात हो गया कि आप लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर शेयर कैसे ऐड कर सकते हैं, और आप मल्टीपल भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने क्रिएट कर रखा है आपके सामने। मैंने दो क्रिएट कर दिखाया जैसे माई फेवरेट स्टॉक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया आपका क्लियर कि आप माई लिस्ट क्या होता है, इसके अंदर कैसे लिस्ट क्रिएट करना है और कैसे शेयर को ऐड करना है। लिस्ट मतलब होगा आपका फोल्डर, और जो शेयर है उसका मतलब हो गया आपका फाइल, ठीक है, आप क्लियर समझ गए। फिर आते हैं ट्रेड पे। ट्रेड में आपको देखने को मिलता है पोजीशन, कोई आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो ये ओपन दिख रहा है और दिख रहा है क्लोज। अगर आपका कोई ट्रेड ओपन रहेगा तो यहाँ पे ओपन में शो करेगा आपने ट्रेड कंप्लीट कर लिया है, जैसे मैंने आज कर लिया है, तो यहाँ पे क्लोज दिखाएगा, ठीक है, क्लोज दिखाया। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में अंदर होल्डिंग्स, ठीक है। तो मान लो कि अब आप शेयर बाई करते हो, ठीक है, लंबे समय के लिए, ठीक है, तो लंबे समय के लिए शेयर बाई करोगे तो होल्डिंग में चला जाता है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। फिर है ऑर्डर, कि ऑर्डर में देखो रेगुलर ऑर्डर, आप कोई ऑर्डर सेट करते हो कोई शेयर बाई करने के लिए, मान लो कि कोई शेयर रेट चल रहा है 100 रुपये, ठीक है, आपने सेट कर दिया 102 रुपये होगा तो खरीदूंगा, तो आपको रेगुलर ऑर्डर के अंदर शो करता रहेगा, फिर वो शेयर आपका बाई हो जाएगा तो फिर आपका रेगुलर ऑर्डर से हट जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ से अपना ऑर्डर देख सकते हैं कि आपका ऑर्डर अभी क्या ओपन है, ठीक है। उसके बाद है GTT, तो GTT ऑर्डर में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो ट्रेड लिया है। बेसिकली GTT ऑर्डर में ये होता है कि आप जब कोई भी ट्रेड करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको किस भाव पे खरीदना है, ठीक है, कितना स्टॉप लॉस रखना है और कितना टारगेट रखना है, आप एक साथ सेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप ट्रेडिंग करते हो, खासकर स्कैल्पिंग करते हो, तो इसमें जो है कि आप अपना लॉस जो है फिक्स कर सकते हो कि इतना लॉस ही होगा तो मैं ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, फिर टारगेट जो है आपका कितना प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ठीक है, किस भाव पे परचेस करना है, ठीक है, वो सब एक ही टाइम पे सेट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो है कि लॉस और प्रॉफिट फिक्स हो जाता है। और मैं इसका काफ़ी यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं, मैंने दो ट्रेड लिया था, मैंने सेट किया था कि प्राइस 50 रुपये से नीचे जाएगा तो बाई हो जाएगा, ठीक है, और मैंने रखा था स्टॉप लॉस 40 रुपये तक गिर जाएगा भाव इसका तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, लॉस में मैं निकल जाऊंगा, या फिर 53 रुपये तक जाएगा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं दिन में दो ट्रेड लिए थे, ठीक है, एक में 317 और एक में 370 रुपये प्रॉफिट हुआ टोटल मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से आप GTT ऑर्डर को यूज़ में ले सकते हैं और यहाँ पे आपका ऑर्डर शो करेगा। मैं आपको बताऊंगा आगे GTT ऑर्डर कैसे लगाना है। ये हो गया कंप्लीट ट्रेड के बारे में। फिर आते हैं डिस्कवर। यहाँ से आप म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी में सब चीज़ के बारे में, मतलब कि आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 1 वीक हाई, एक हफ्ते के में जो हाई वो गया है जो शेयर्स, उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक, वैसे ही 1 मंथ का हाई के देखने को बारे में मिलेगा, 52 वीक हाई के बारे में देखने को मिलेगा, यहाँ पर कौन कौन शेयर आप देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं आप, पर न्यूज़ आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद 1 मंथ लो, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर यहाँ देखने को मिलेगा आपका टॉप गेनर्स, अभी सबसे ज़्यादा कौन कौन कंपनी जो गेन कर रहा है वो देखने को मिलेगा यहाँ पे। ऐसे ही आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या चल रहा है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, मतलब एवरीथिंग आप यहाँ से डिस्कवर कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या IPO आने वाला है, ठीक है, वी वॉल पर क्लिक करके मैं कौन कौन IPO आने वाले थे, बेसिकली सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट में क्या चल रही है, क्या कब आने वाला है, यहाँ से आप डिस्कवर में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। जितना यूज़ करोगे उतना समझ में आपको आसानी होगा। फिर आते हैं माई अकाउंट पे। अब यहाँ पे माई अकाउंट में पहला ऑप्शन है वो है वॉलेट। तो वॉलेट में क्या है, एक है सिक्योरिटी वॉलेट, दूसरा है कमोडिटीज़ वॉलेट। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि हमें कौन सा वॉलेट यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली जो सिक्योरिटी वॉलेट होता है, और आप शेयर में ट्रेडिंग करते हो या फिर शेयर बाई करते हो, सेल करते हो, आप जो भी काम शेयर के लिए करते हो जो इक्विटी में होता है, वो बेसिकली आप सिक्योरिटी में वॉलेट में पैसे डाल के कर सकते हो। जो कमोडिटी होता है जैसे कि क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, जो चीज़ मतलब कि हम नहीं बना सकते, हमें अर्थ से मिलता है, ठीक है, धरती से मिलता है, वो चीज़ें होती हैं कमोडिटीज़ के अंदर, तो उसमें आप ट्रेड करने के लिए आप इसमें पैसे डाल सकते हो। लेकिन अगर आप शेयर बाई करना चाहते हो तो बेसिकली आप सिक्योरिटी वाले वॉलेट में पैसे डाल के ट्रेड कर सकते हो, शेयर बाई और सेल कर सकते हो, ठीक है। ऐड फंड पे क्लिक कर दोगे तो अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे कि किसमें पैसे ऐड करना है, तो सिक्योरिटी वॉलेट वो चूज़ कर लीजिए, उसके बाद जितने पैसे डालने हैं वो चूज़ कर दिए, फिर आपका बैंक में चाहते हैं तो बैंक से कर सकते हैं, आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI से पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आपको पता ही है पेमेंट करना काफ़ी ईजी होता है, जैसे आप UPI से करते हो वैसे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, आपके वॉलेट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो पेमेंट का मैंने नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पेमेंट करना आता ही होगा। चलिए इसे बैक आते हैं। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन रेफर एंड अर्न का। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप किसी को रेफर करते हो तो कितने पैसा को देखने को मिलेंगे, ठीक है, अगर सामने वाला बंदा ज्वाइन करता है तो। मेरा अलग दिख रहा है क्योंकि मैं अपस्टॉक्स में पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन हूँ, तो अगर आप मेरे लिंक से अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके लिए एक बेनिफिट है कि आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपको किसी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होता है तो इजीली मैं, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करते हो तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ से आके लिंक से अपना अपस्टॉक्स पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिए।
ठीक है। फिर आते हैं अकाउंट लॉस सेक्शन पे, यहाँ पे आपको प्रोफाइल देखने को मिलता है जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रेडिंग सेगमेंट कौन कौन एक्टिवेट है, ठीक है, बैंक डिटेल्स, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे करके नहीं दिखा सकता, यहाँ पे मेरी काफ़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर आता है रिपोर्ट, रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। डेली बाय डेली का आपका रिपोर्ट देखने को मिलता है, वीकली भी हर तरह रिपोर्ट देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा पता चल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्शंस, इसको आप छोड़ दीजिए। फिर आता है सेटिंग, ठीक है, सेटिंग पर जाइएगा, फिर यहाँ पे आपका नाम लिखेगा, नाम पे क्लिक करोगे तो सेम चीज़ ओपन होगा जैसे कि आपका माई अकाउंट में यहाँ पे ओपन हो रहा था, ठीक है। फिर नोटिफिकेशन का सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक अगर फिंगरप्रिंट से चाहते हैं सेट करना कि आपका अपस्टॉक में अकाउंट लॉगिन हो जाए तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर रिव्यू करने का ऑप्शन है, जब भी आप ट्रेड करते हो फिर शेयर बाई करते हो तो एक बार आपसे कंफर्मेशन पूछता है ताकि आप गलत ट्रेड ना ले लो, ठीक है। या फिर अगर मिस्टेकली अगर आपके फोन में टच हो गया तो ऐसे तार ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए रिव्यू ऑर्डर को ऑन रहने दीजिए। ऐसा ऑफ भी कर सकते हैं लेकिन ऑन रहेगा तो एक बार आपसे कंफर्मेशन पूछेगा क्या आप बाई करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। थीम है, थीम में हम सिंपली पता ही आपको डार्क है, लाइट है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर चार्ट में, चार्ट में दो ऑप्शन मिलता है, एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखने के लिए, ट्रेडिंग व्यू काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फेमस है चार्ट के मामले में। या फिर जो अपस्टॉक का अपना चार्ट है, चार्ट आईक्यू, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा रिव्यू आपके अपस्टॉक के ऐप के बारे में। अब बात करते हैं अगर आपको शेयर बाई करना है तो कैसे करोगे, तो आप सिंपली आओ यहाँ पे होम पे और सर्च पर उसमें सर्च करो, जैसे कि मान लीजिए मुझे इंडियन ऑयल का शेयर बाई परचेस करना है, ठीक है, तो इंडियन ऑयल लिखोगे आप यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो IOC, इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो यहाँ पर बाई का ऑप्शन है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो है कि क्रिएट GTT ऑर्डर, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बाई पे क्लिक करके दिखाता हूँ, पहले आते हैं बाई पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपको रेगुलर और GTT का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर एक्सचेंज का नाम है, आप किस एक्सचेंज के थ्रू बाई करना चाहते हैं, NSE या BSE, ठीक है, तो मैं NSE से ही करता हूँ ज़्यादातर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिलीवरी है और इंट्रा डे है। इंट्रा डे मतलब होता है, ये बताता हूँ पहले, आपको सेम डे बाई करना है, सेम डे ही सेल करना है, ठीक है, यही होता है। इसमें आपको प्राइस काफ़ी कम देखने को मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं हम डिलीवरी में आते हैं, ठीक है, इसका प्राइस है 72.40, ठीक है। अभी हमें 72.45 लगेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चार्जेस भी हमें देने होते हैं शेयर के अलावा बाई करने के। लेकिन अगर सेम चीज़ को अगर इंट्रा डे में कर दोगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी कम पैसे में देखने को मिल जाएगा, एक से देखो 14.49 हो गए। लेकिन इंट्रा डे में वही है कि आपको सेम डे बाई करना है, सेम डे सेल करना है, सेम डे सेल नहीं करोगे तो आपका जो ब्रोकर है यानी कि अपस्टॉक्स ऑटोमेटिक आपको 3:15 बजे 3:30 बजे जो मार्केट क्लोज होता है उस समय सेल कर देगा और आपको लॉस या प्रॉफिट जो भी हो उसमें आपको बाहर निकाल देगा। उसके बाद आपको फाइन भी लगा देगा 50 रुपये का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग कर सकते हो, और आप चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पैसा शेयर में तो बेसिकली आप डिलीवरी वाले लिखा भी है लॉन्ग टर्म, इस पर क्लिक करने दो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्वांटिटी में आप चूज़ कर सकते हो कितना शेयर बाई करना चाहते हो, 1, 2, 3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो किस प्राइस से बाई करना चाहते हो, अभी जो मार्केट चल रहा है उस प्राइस पे तो मार्केट रहने दो। फिर यहाँ पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे तो वहाँ पे आ जाएगा लिमिट, यानी कितना प्राइस, मान लो मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे 70 रुपये, फिर बाई करूँगा तो जैसे मार्केट में इंडियन ऑयल का शेयर क्रेडिट 70 रुपये आएगा तभी बाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, मान लो मार्केट रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली करेंगे रिव्यू बाई ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है एक शेयर बाई करना है 74.60 रुपये लगेंगे। अब मैं सबमिट ऑर्डर कर दूंगा तो मेरा शेयर बाई हो जाएगा। बाई होने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा, ट्रेड में आएंगे, यहाँ पे करेगा पोजीशन के अंदर, ठीक है, और नेक्स्ट डे ये हमारा चला जाएगा होल्डिंग्स के अंदर, ठीक है। तो पहले दिन बाई करोगे तो पोजीशन में रहेगा, सेकेंड डे जैसे आज डेट खत्म होता है कल मार्केट खुलेगा आपका, ये होल्डिंग्स में चला जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ अब GTT ऑर्डर क्या होता है, IOC। चलिए अब यहाँ पे है, देखिए आते हैं GTT पे। अब यहाँ पे देखिए GTT ऑर्डर में जो देखने को मिलता है सेम चीज़ मिलता है, एक डिलीवरी देखने को मिलता है और इंट्रा डे, तो आप समझ गए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वांटिटी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्लेस ऑर्डर इफ प्राइस इज बिलो, ठीक है। अगर हम जो प्राइस है मेरा 72.25 इतना से कम होगा तो ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस के यहाँ पर लिखा हुआ है 72.05 जाएगा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ठीक है। ये इसको आप कम भी कर सकते हो, जैसे मान लो 70 सेट कर देते हैं, अगर 70 रुपये शेयर का भाव चला जाए तो ऑटोमेटिक बिक जाए। उसमें टारगेट है, टारगेट में सेट कर सकते हो कि मान लीजिए इसका शेयर का भाई 75 रुपये चला जाए तो ऑटोमेटिक बिक जाए। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग में किया जाता है, और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर देखो प्राइस इज एबव, ये भी सेट कर सकते हो, ठीक है, कि प्राइस अगर 72.65 से ऊपर जाए तब बाई हो,
या फिर इमिडिएटली अगर अभी की अभी हम बाइक करना तब यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए चाहिए कि आपका जो मार्केट प्राइस है 72,50 है, ये आपका मार्केट प्राइस है, आपका ये जो प्राइस है वो कम होना चाहिए, तो अब इमिडिएटली बाई हो जाएगा। ठीक है, ये होता है जीटीटी ऑर्डर, जिसमें आप टारगेट प्राइस, बाई प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ एक बार सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग में काफी हेल्प करता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था कुछ देर पहले मैंने जीटीटी ऑर्डर कैसे प्लेस किया था, तो बेसिकली ट्रेडिंग में ही काम आता है। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से आप अपना अपस्टॉक्स ऐप को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज कीजिए, मैंने सभी ऑप्शन सभी चीजें के बारे में सभी फीचर्स बारे में आपको बता दिया, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स ऐप ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन का लिंक मिलेगा, लिंक को फॉलो कीजिए, अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो बस आज के इतना ही, उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको भी वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, को मैं हमेशा आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिर देखते हैं दोस्तों, मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।